वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। और इसकी फर्स्ट जो चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर के एक पार्ट फर्स्ट हम पहले बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक्सेप्शन के बारे में जाना कि एक्सेप्शन अर्थात अपवाद होता क्या है और कितने प्रकार के एक्सेप्शन उठाए जा सकते हैं या उठते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आपको जानना है एक्सेप्शन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम पार्ट टू में बात करेंगे, और पार्ट टू के अंदर हम बात करेंगे, तो इसके अंदर बात करने वाले हैं जो एक्सेप्शन है वो उठता कैसे है और रेज कैसे होता है, कैसे सामने आते हैं और वो कैसे हैंडल किया जाता है, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज का टॉपिक है अपना रेजिंग एक्सेप्शन, अपवाद, एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है हिंदी में, ठीक है, रेज तो उठाना, तो अपवाद को कैसे उठाया जाता है। देखो एक सिंपल सी बात हम समझ लेते हैं, जैसे जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो अपवाद उठाता है, ठीक है, उठाए दो प्रकार से जाता है, एक तो इंटरप्रेटर अपवाद उठाता है, कंपाइलर अपवाद उठाता है। इंटरप्रेटर तो क्या करता है, जैसे ही हमने कोई स्टेटमेंट लिखा एंटर किया, एरर होगी, अपवाद होगा, एक्सेप्शन होगा, तो तुरंत आपको प्रेजेंट कर देगा आपके सामने कि भाई ये इस तरह का आपने गलती कर दी है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे पेज को, फिर कंपाइलर में क्या करते हैं, पूरा पेज एक साथ बनाकर फिर उसको कंपाइल करते हैं, है ना। इसका मतलब पहले हम पूरा कोड लिखेंगे, उसके बाद उसको हम एक्सेस करेंगे, ठीक है, एक्सेस करते हैं, जो भी एरर आएंगे वो एक साथ आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाती है कि ये आपके सामने एक्सेप्शन जो है उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इन दोनों में ये बड़ा डिफरेंट है। इंटरप्रेटर वापिस सुन लिया, इंटरप्रेटर तो जैसे ही अपने एक लाइन लिखेंगे तुरंत ऐसे एंटर करेंगे, एंटर करते ही यदि इसमें एक्सेप्शन है तो तुरंत आपको दिखा देगा, जबकि कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है उसके बाद उसको एक्सेस किया जाता है, एंड देन यदि कोई प्रॉब्लम होती है उसके अंदर, कोई एरर आती है, कोई त्रुटि आती है, तो आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे रेज स्टेट एक्सेप्शन मतलब अपवाद उठाना। अब देखो जब अपवाद उठता है तो उठने के बाद उसको संभालने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक्सेप्शन हैंडलर भी बनाते हैं, जो क्या करता है, जो अपवाद उठेगा उसको संभालेगा। एक बात क्लियर, पहली बात यह है कि जैसे कोई अपवाद होता है तो इंटरप्रेटर उसको बताता है कि ये इस तरह का है, और उसको संभालने का काम किसका है, अपवाद हैंडलर, एक्सेप्शन हैंडलर उस अपवाद को हैंडल भी करता है, ठीक है। दूसरी बात, यदि कोई एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में उत्पन्न हो गया, आ गया सामने, प्रेजेंट हो गया आपके सामने, तो उसके अंदर के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो काम ही नहीं करेंगे, वो आगे उसका फ्लो वहीं के वहीं रुक जाएगा, वो आगे काम नहीं करेगा। उसके बाद वो जो पार्ट था जहां एक्सेप्शन उत्पन्न हुआ है वो कहां चला जाएगा, अपवाद हैंडलर के पास चला जाएगा, और अपवाद हैंडलर को डिजाइन इसलिए किया गया है कि जैसे ही आप प्रोग्राम कोडिंग करते हैं, सोर्स कोड हम लिखते हैं, यदि उसके अंदर कोई एक्सेप्शन उत्पन्न हो तो तुरंत वो कहां चल जाए, एक्सेप्शन हैंडलर के पास चले जाए और उसका समाधान वो करके बताए, या जो प्रोग्रामर है उसको बताए, ठीक है, इस तरह की एक्सेप्शन यहां पर उत्पन्न हो गई है। तो अपवाद जो है, एक्सेप्शन जो है, वो दो प्रकार से उठाए जाते हैं, एक होता है रेज स्टेटमेंट के द्वारा, एक होता है एसर्ट स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक है, दो प्रकार से उठाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका रेज स्टेटमेंट, ठीक है। नंबर दो है आपका एसर्ट स्टेटमेंट, एसर्ट
ठीक है। तो रेंज एक्सेप्शन, जो रेंज एक्सेप्शन है वो टू टाइप से हम उसको उसको रेज करते हैं, उठाते हैं उसको। नंबर एक तो रेज स्टेटमेंट के थ्रू, एक एसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये हम जानते हैं कि दोनों में अंतर है क्या। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रेज स्टेटमेंट की, ठीक है। ये क्या करता है, देखो ध्यान से सुनना बात को। ये क्या करेगा, ये जबरदस्ती, यदि आपको जबरदस्ती कोई एक्सेप्शन उठाना है, मतलब आपको उठाना है, आप कोई भी एक्सेप्शन आएगा उसको उठा के दिखाना है आपको, बिना कुछ जांचे, बिना उसके चेक करने के लिए उठाते रहेगा कि यह स्टेटमेंट अपवाद को रेज करने के लिए, उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है ना उसी को दिखाया जाता है। तो यह स्ट्रिंग अपवाद को ही प्रदर्शित करता है, स्ट्रिंग एक्सेप्शन को ही प्रदर्शित करता है। तो हम इसका एक बार सिंटैक्स लेते हैं, किस तरह ये बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन आर ए आई एस ई रेंज लिखेंगे, एक्सेप्शन का नाम लिखेंगे, हम किस तरह किस नाम से एक्सेप्शन को उठाना चाहते हैं। एक्सेप्शन नेम, ठीक है, और यहां ब्रैकेट चालू करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम आर्ग्यूमेंट कि आपको क्या आर्ग्यूमेंट आपको यहां चाहिए शो करने है उसके अंदर, ठीक है। ऊप्स लिखते हैं मोस्टली देखा जाए तो, है ना, जब भी कोई एरर आते लिखा था ऊप्स। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हम यहां पर पास करते हैं रेंज स्टेटमेंट के द्वारा। इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखो रेंज की जगह रेंज लिख देंगे, एक्सेप्शन की जगह ई एक्स सी ई, एक्सेप्शन हमने क्या लिया, एक्सेप्शन ही लिया, और ब्रैकेट में हमने जो आपको एरर शो करनी है वो लिखनी है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ओ डबल पी, सॉरी ओ डबल ओ पी एस ओप्स, क्या लिख दिया ओप्स। जैसे यही कहा लिखा आएगा इंटरप्रेटर मोड में लिखा आएगा प्रॉम्प्ट के आगे, जैसे मैंने रेंज एक्सेप्शन लिखा और एंटर किया, एंटर करते आपकी जो स्क्रीन है उसको एक एरर दिखाई देगी ओप नाम से, ठीक है, यह शो होगी। तो इसके थ्रू हमने क्या किया, एक अपने आप हमने एक एक्सेप्शन उठाया, किस नाम से, ओप नाम से उठा के दिखा दिया आपको। ये हो गया आपका रेंज स्टेटमेंट। अब चलो अगला पढ़ते हैं ना एसेट स्टेटमेंट। एसेट का मतलब होता है जांचना, मतलब जांच कर, क्या करेंगे, पहले कोड की जांचेगा और जांच करने के बाद फिर आपके सामने एक्सेप्शन उत्पन्न होगी। वो काम कौन करता है, एसेट स्टेटमेंट काम, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसके अंदर, पाइथन क्या करता है, एसेट स्टेटमेंट क्या करता है, एसेट स्टेटमेंट पाइथन स्टेटमेंट में लिखे प्रोग्राम जो कोड, प्रोग्राम कोड को जांचता है, और जांचने के बाद यदि उसका रिजल्ट गलत आता है तो वो उस अपवाद को उत्पन्न कर देता है, एक्सेप्शन को उत्पन्न कर देता है। अर्थात पहले उसको चेक करेगा, जांचेगा, उसका परीक्षण करेगा, जो कोड हम लिख रहे हैं, जो प्रोग्राम कोड हम लिख रहे हैं, पहले हम उसका परीक्षण करेंगे, जांचेंगे, और जांचने के बाद यदि कोई अपवाद है, ठीक है, तब उसको उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसका भी लिख लेते हैं, एक और इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन यही है कि ऐसा स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिखे कोड की जांच करता है, और जांचने के बाद यदि गलत परिणाम गलत होता है तो वो एक्सेप्शन को उठाता है, एक्सेप्शन दिखाता है, एक्सेप्शन प्रकट होती है, ठीक है। ये आपको लिखेंगे, इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, एसेट एक्सेप्शन, और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसमें रेजते हैं एसेट लगा दिया। और इसको एक छोटा सा प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं अच्छे से। एसेट
एसेट स्टेटमेंट को प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो एसेट स्टेटमेंट जो प्रोग्राम कोड की जांचने के बाद अधिकृत होता है तो उस अपवाद को एक्सेप्शन को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो समझते हैं हम क्या करते हैं। एक प्रोग्राम बना रहा है छोटा सा, इसका सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट मैथ एच एम, हमने एक मैथ नाम की जो लाइब्रेरी है जो पाइथन में उपलब्ध है उसको इंपोर्ट किया अपने कोडिंग के साथ, और उसको मैथ को हम किस में शो कर रहे हैं, एम नाम से शो कर रहे हैं इसको। अब पूरा मैथ नहीं लिखे, हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे आगे चल के, है ना। डेफ स्क्वायर रूट नंबर, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, कोई नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर रूट नाम से एक फंक्शन बनाया, और जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसकी डिक्लेरेशन, उसकी घोषणा डेफ कीवर्ड के द्वारा की जाती है। यदि कोई नंबर है जो हम लेंगे इसके अंदर वो जीरो से बड़ा है तो कोमा लगा दो इधर, और यहाँ लगेंगे नॉट अ पॉजिटिव वैल्यू, कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, ये हमने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कोलन जब लगाते हैं पाइथन में तो जो नेक्स्ट जो लाइन आएगी स्टेटमेंट आएगा थोड़ा सा आगे से होता है वो, अर्थात ये इसका ब्लॉक है, इस जो फंक्शन बनाया डेफ स्क्वायर रूट नाम से, ये इसका ब्लॉक बन रहा है इसमें, तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब जो हमने मैथ को ऐसे एम स्टोर किया इधर, तो उस एम से हम कॉल कर रहे हैं स्क्वायर, ठीक है, एसक्यूआरटी, है ना, और यहां ले लिया हमने नम, ये ब्लॉक ही खत्म हो गया। अब नया ब्लॉक आगे के स्टेटमेंट, ब्रैकेट में लिया 9, स्क्वायर रूट और माइनस के 9। अब देखो समझ वाली बात क्या है, देखो हमने एक स्क्वायर रूट नाम से एक फंक्शन बनाया, पहला तो हमने काम क्या किया, पहला काम हमने किया कि हमने, अब ये जो बना रहे हैं प्रोग्राम, ये हम बना रहे हैं स्क्रिप्ट मोड के अंदर, इसलिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रिप्ट मोड में पूरा प्रोग्राम ऐसा लिखा जाता है बाद में उसको रन किया जाता है। तो हमने क्या किया, मैथ नाम की एक लाइब्रेरी थी, इसको इंपोर्ट किया हमारी कोडिंग के साथ एज ए एम, और यहाँ पर स्क्वायर रूट नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें एक वैल्यू लिया नम नाम से, ठीक है, और किसी फंक्शन की आपको घोषणा करनी है, डिक्लेरेशन करनी है, तो आगे डेफ लगाता है उसके आगे, देखो एसेट, ठीक है, इसमें हमने कंडीशन रखी कि नम बड़ा है क्या जीरो से, जांचेगा पहले, क्या करेगा, चेक करेगा कि नम की जो वैल्यू हम लेंगे वो जीरो से बड़ी है, तो प्रिंट कर दो एम, एम कॉल करा किसको, स्क्वायर, एसक्यूआरटी नाम का एक मैथ का एक फंक्शन है जो किसी नंबर की क्या निकालता है, रूट निकालता है, जैसे 16 है कोई नंबर तो 16 का क्या होगा 4 होगा, ठीक है, 25 का क्या होगा 5 रूट होगा उसका, है ना, तो इस तरह का रूट निकालने का काम कौन करता है, आपका एसक्यूआरटी आपका फंक्शन है स्क्वायर, ये रूट निकालने का काम करता है, और यदि नम की वैल्यू जीरो से छोटी होगी
बड़ी ये कंडीशन फोर्स होती है तो क्या लिखाएगा नॉट अ पॉजिटिव वैल्यू। अब काम कैसे कर रहे हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं, हमने स्क्वायर रूट देखो फंक्शन का नाम इस फंक्शन का नाम सेम सेम है तो सेम थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो इसको कॉल नहीं करेगा अगर आपके यहाँ पर प्रोग्राम का फ्लो रुक जाएगा है कि है ना। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट पर कॉल किया जो देखो ये भी सेम होना चाहिए, जितने यहाँ पर आर्गुमेंट है उतनी आपके यहाँ वैल्यू आपको पास करनी है, यहाँ वन आर्गुमेंट है तो वन ही आपको वैल्यू पास करनी है। नाइन का चला गया नम में चला गया, यहाँ से कॉल कहाँ हुआ यहाँ पर कॉल हुआ और कॉल होते ही क्योंकि सेम नाम पर कॉल हो गया और नाइन इसके अंदर चला गया। अब नम में कितना है नाइन है, कितना है नाइन, यहाँ एसेट चेक कर रहा है कि नम में कितना है अब नाइन, ये ग्रेटर है क्या जीरो से, बिल्कुल सा बड़ा है ठीक है तो नीचे आएंगे क्योंकि अब ये एक्सेप्शन नहीं है, ये तो बड़ा है पॉजिटिव वैल्यू है ठीक है। तो प्रिंट कर दो एम स्क्वायर नम ठीक है, साथ में इसके क्या बना रहा हूं यहां पर आउटपुट बना देता हूं, यहां मैंने इसका आउटपुट बना दिया ठीक है। तो क्या निकाल दो उस नंबर का जो नम है उसका क्या निकाल दो स्क्वायर रूट निकाल दो, तो नम में कितना नाइन, नाइन का स्क्वायर रूट क्या होगा थ्री होगा, तीसरी था नाइन होता है तो ये आपका आउटपुट आ गया सिंपल सा ठीक है। अब वापस देखो वापस कॉल कर रहे अपन, ये तो अपने विदाउट एरर वाला शो किया है, अब इसको देख लेते हैं एक बार वापस कॉल हुआ यही फंक्शन स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। अब की बार हमने माइनस नाइन जो वैल्यू ही पास किया तो माइनस नाइन कहाँ चला गया नम में चला गया। अब नम की ये माइनस नाइन हो गया नम में आपके तो माइनस नाइन अर्थात नम ग्रेटर देन जीरो नहीं, ये तो लेस देन हो गया ना जीरो से, माइनस की वैल्यू जीरो छोटी होती है वैल्यू, जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई कंडीशन फॉल्स होने पर ये नीचे नहीं आएगा कहाँ जाएगा इसके बगल में जो एक्सेप्शन लिखा हुआ है इसको शो कर देगा। तो बगल ये तो पहला आउटपुट था आपका आउटपुट नंबर एक, अब ये आउटपुट नंबर दो आ गया ये शो कर देगा और क्या लिखाएगा नॉट अ पॉजिटिव वैल्यू, ये आपके सामने आउटपुट लिखा आ जाएगा ठीक है ना। आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे, रेज स्टेटमेंट और एसेट स्टेटमेंट। एक बार फिर बता दूं रेज स्टेटमेंट में अपवाद को उठाया जाता है जांचने के लिए चेक करने के लिए ठीक है, अपवाद को उठाया जाता है मतलब आप अपवाद उठा रहे हो आपके जबरदस्ती अपवाद उठा रहे हो तो हम रेज स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। और आपको जांचना है आपकी प्रोग्राम कोड को जांचना है और जांचने के बाद गलती हो तो ही वो एक्सेप्शन प्रकट हो तो हम एसेट स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। एसेट जांच कर ही अभी एरर होगी तो दिखाएगा नहीं तो नहीं दिखाएगा, ये एसेट स्टेटमेंट का उपयोग हो गया यहां पर ठीक है। चलो आई होप आपको पसंद आया होगा समझना होगा, जैसा क्या जैसे ही आप आपके लैपटॉप पे डेस्कटॉप में जो भी टाइप करोगे पाइथन के अंदर या ऑनलाइन भी आप पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग करके टाइप कर सकते हो आपको फर्स्ट क्लास आउटपुट एमर मिलेगा है ना। बस थोड़ा सा ध्यान रखना जैसे जैसे सेम लिखना इसको इधर मत सरका देना ठीक है तो दिक्कत आ जाएगी, ऐसे आपको टाइप करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया हो और नहीं हो मेरे चैनल पर तो कृपया इसे एक बार सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है वो दबा दें क्योंकि क्लासेस रेगुलर चल रही है हमारी और धमाकेदार चल रही है और जो भी आपको समस्या आती है तो कृपया करके कमेंट्स करके हमें बताएं जिससे हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।